अगर अपन टेंथ के रियल नंबर्स के बारे में बात करें तो चैप्टर किस किस चीजों में बटा हुआ है? सर एक कंसेप्ट तो है, आपको ये बात पता होना चाहिए फर्स्ट कंसेप्ट कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कितना, A इंटू B। तो सर इस पे वैरायटी वन अगर क्वेश्चन लिखा जाए तो सर वैरायटी वन क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको बोलेंगे 58 एंड 66 का HCF लेट्स है टू फाइंड LCM, फाइंड व्हाट LCM। तो सर ऐसे में आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं लिखोगे HCF इनटू LCM इज इक्वल टू A इनटू B, मतलब कितना 58 इनटू व्हाट 66। HCF तुम्हारे पास कितना है, 2 इनटू LCM इज इक्वल टू 58 इनटू 66। ऐसे केस में ये 1 जा 29 जा, तो LCM कितना हो जाएगा, 29 इनटू व्हाट 66। सर क्या ये वैरायटी 1 है? मैंने बोला हाँ ये वैरायटी 1 है जो आपको समझना पड़ेगा, वैरायटी वन है जो आपको समझना पड़ेगा, है ना। सर सेकंड वैरायटी इसी चैप्टर में आपके पास क्या थी, तो आपको प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। आप इसमें क्या करोगे, लेट रूट थ्री बी अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ए एंड बी, लेट रूट थ्री बी A, B, be a rational number, be a rational number of the form A and B, where A and B have no common factor, where A and B have no common factor, ठीक है। तो सर आप root 3 is equal to कितना लिख दोगे, A by B, then आप squaring both the side करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 is equal to A square by B square, in that case आप लिखोगे 3b square is equal to a square, तो इसका मतलब है 3b square is equal to what, a square, it means 3 is a multiple of what, a, 3 is a multiple of what, a, हाँ कि ना, तो अपन 3 is a multiple of a, मतलब a square is equal to कितना हो गया 3b square ना, तो 3 is a multiple of a, तो कैन वी से ए इज इक्वल टू व्हाट 3c, ए 3q लिखो, चलो ए इज इक्वल टू व्हाट 3q, बाकी ना ए इज इक्वल टू कितना 3q, अगर आपका ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3q, तो अपन क्या करेंगे, देन इट इंप्लाइज 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3q, ए की वैल्यू कितनी है 3q, तो सर ऐसे में 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 9q स्क्वायर, ये वनजा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 जा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3q स्क्वायर। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि 3 इज अ मल्टीपल की जगह लिखो फैक्टर, क्या लिखो फैक्टर ऑफ a, यहां पे आप लिखो 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी, हाँ कि ना, तो इसका मतलब 3 इज, अगर इसके आगे बात करें तो इसका मतलब आप और मैं क्या समझ रहे हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो एंड 3 इज फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो, 3 इज फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, 3 इज फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो, इट मीन्स ए एंड बी हैव their common factor, have their common factor as, have their common factor as 3, a and b have their common factor as, bolo koi doubt to nahi aata, which contradicts our assumption, our assumption that a and b have no common factor, that A and B have no common
फैक्टर, ऐसे ही है क्वांटिटी से, और देयरफॉर, देयरफॉर अगर अपन बात करें, देयरफॉर रूट थ्री इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट थ्री इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। एक मिनट, आपने एक बात तो समझ ली इसका मतलब कि सर कि अगर रूट थ्री इज इरेशनल आ जाए तो आपके पास एक और बात समझ में आ गई कि एनीथिंग इज एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड, एनीथिंग एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू एनी to any irrational is irrational, ठीक है ना, anything added subtracted multiplied or divided to any irrational is irrational। तो सर इसका मतलब अगर root 3 आपने irrational प्रूव कर दिया तो 2 plus root 3 भी क्या हो जाएगा, irrational। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पूरा root 3 वाला पार्ट कॉपी करना है और लास्ट में एक लाइन लिख देनी, कौन सी वाली, ऊपर वाली। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि 5 बाय रूट थ्री क्या है, इरेशनल, तो आपको करना क्या है, सिर्फ रूट थ्री को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, और लास्ट में ये लाइन छाप देनी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 9 माइनस रूट थ्री बोला कि प्रूफ करो इरेशनल, तो कुछ नहीं करना है, रूट थ्री को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, और लास्ट में ये लाइन छाप देनी। तो जैसे आपने रूट थ्री को प्रूफ किया क्या वैसे ही रूट फाइव भी होगा, हाँ। तो जहां जहां पे आपने रूट थ्री पुट किया था, आप चाहो तो यहाँ यहाँ पे रूट थ्री की जगह क्या पुट कर सकते हो, रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी, इन शॉर्ट फाइव इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसके आगे की बात, फाइव इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कितना, फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर, इसका मतलब फाइव इज व्हाट, फैक्टर ऑफ कितना, a, आप लिख दोगे क्या, a is equal to कितना, 5, a is equal to कितना, 5, आया समझ में। फिर इस वाली वैल्यू को अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे 5b square is equal to a की वैल्यू कितनी थी, 5, आप लिख दोगे 25q square, ठीक है ना, वापस से कट जाएगा, तो आप लिख दोगे 5 is factor of a, 5 is factor of b, हाँ कि ना, तो a and b have their common factor as 3 की 5, a and b have their common factor as 5, which contradicts our assumption, therefore root 5 is also irrational। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो सर क्या एक पूरी एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेंट है? हाँ, एक पूरी आपकी एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेंट है। सर ठीक है, सर अब हमने और क्या समझा है इसके अंदर? तो सर हमने ये भी समझा है इसी चैप्टर के अंदर कि अगर आपको किसी दो नंबर का HCF निकालना, लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको लेट्स से 35 और 375 और लेट्स से 1275, इसका अगर आपको क्या निकालना है, HCF, तो सर आप पहले कोई भी दो नंबर ले लोगे और उसको कंटिन्यूस डिवाइड करते जाओगे, कंटिन्यूस करते जाओगे डिवाइड, मतलब क्या, 1275 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 375, तो 375 से कितना जाएगा, शायद जितना मेरे को लगता है शायद 4 चला जाएगा क्या, अगर अपन बात करें तो 375 4 कितना होगा, अगर अपन देखें जितना मेरे को लग रहा है 1100, शायद चेक करो कितना आएगा, 375 3 देखो कितना होगा, 35 15, 37 21, 22, 1125 शायद, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 150, फिर आप इस 150 को साइड में ले लोगे और डिवाइड किससे करोगे, 375, इसमें कितना आ जाएगा, 200 माइनस कितना, 300, बच कितना क्या, 75, फिर डिवाइड किससे करोगे, 150, 200, यहां पे 100, ठीक है, तो सर इसका HCF कितना होगा, 75, इन दोनों का HCF तो कितना हो गया, 75, आया समझ में। अब
इज 75 और 35 को आपस में क्या करोगे आप डिवाइड, ऐसा समझ में नहीं है। तो सर आप 75 को किससे डिवाइड कर लो, 35 से, तो माइनस कितना गया 70 टूज आ गया ऊपर, बस कितना गया 5 और डिवाइड बाय व्हाट 35 7। तो सर कहीं ना कहीं फाइनल एचसीएफ कितना है 5। तो सर इन तीनों का एचसीएफ मिला के कितना हो गया आपके पास 5। इन तीनों का एचसीएफ मिला के कितना हो गया आपके पास 5। सर ठीक है, अगर कोई भी रैशनल नंबर, अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी रैशनल नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर में किसी भी प्रकार से आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब और यहाँ तो 2 की पावर m हो और क्या हो 5 की पावर n मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन अगर आप किसी की भी, अगर कोई भी फ्रैक्शन, जैसे किसी फ्रैक्शन के अंदर का डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो, अगर अपन बात करें किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हो, अगर तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज अगर आप करोगे और अगर आपको ये दिख जाए कि उसके अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। अगर अपन बात करें तो फिर वो क्या हो जाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है क्या। चले अपन कहां पे थे, एक तो वो आपके पास क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सर आप समझाओ ना कैसा वाला नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैसे वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर अपन बात करें तो। आपको हम जो क्वेश्चन मिल गया 23 अपॉन में कितना 6210, आपसे पूछा है क्या ये रैशनल है कि इरेशनल, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको सिर्फ फोकस काय पे करना है 6210। आप 6210 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो ये 2 कितना हो गया 3105, फिर किससे हो पाएगा अगर अपन देखें तो 3 से हो जाएगा क्या 1035, फिर किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा क्या कितना हो जाएगा 3 4 5, फिर किससे हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा 1115, कितना हो जाएगा 1115 कितना 5, फिर किससे होगा सब 5 से कितना आ जाएगा आपके पास 2 और फिर 3 फिर कितना 23। सर लेकिन इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या, तो सिर्फ 2 भी आ जाता, सिर्फ 2 भी होता या सिर्फ 5 भी होता तो ही ये क्वेश्चन क्या होता टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, ये कौन सा रैशनल नंबर हो गया टर्मिनेटिंग, कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब ये कौन सा है, क्या ये रैशनल नंबर कहला सकता है, हाँ ये रैशनल नंबर कहला सकता है। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता। सर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई बड़े नंबर दिया है और चेक करना है कि वो प्राइम और कंपोजिट प्राइम है या फिर कंपोजिट, जैसे आपको बोल दिया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस लेट्स से अगर मैं बात करूं 7 या प्लस आपको लिख दूं 6, हाँ कि ना, तो आपसे पूछा है कि ये जो अल्टीमेटली नंबर आएगा क्या ये टर्मिनेटिंग होगा तो ये प्राइम होगा कि कंपोजिट, तो अगर मेरे को कुछ करना हो तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें 6 क्या ले लूं कॉमन, तो सर 6 × आपके इसमें कितना आ गया ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, वैसे तो बाहर ही क्या आ गया 6, इसका मतलब इसका एक फैक्टर 2 तो आ ही रहा है, हाँ कि ना, तो ये डायरेक्टली नंबर क्या हो कंपोजिट, क्या हो गया, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में भी आते हैं किसी भी टेबल में आते हैं, आप समझो जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर क्या होता है कंपोजिट, आई रिपीट जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या होता है कंपोजिट, प्राइम नंबर कौन होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है
हाँ कि ना, प्राइम नंबर कौन सा होता है? 13 क्या है? प्राइम नंबर 1 के टेबल में आएगा और 13 के टेबल में, और किसी के टेबल में आएगा क्या? नहीं। तो क्या इसके बाहर 6 आ चुका है? हाँ, इनडायरेक्टली। मतलब ये जो भी नंबर खुलेगा वो किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में भी आएगा। हाँ कि ना, किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में भी आएगा। तो ये नंबर अपना क्या है? कंपोज्ड। क्या है ये आपका नंबर? बोलो, कोई डाउट तो नहीं आता? पक्का? क्या समझ में आ गया? ठीक है ना सर। क्या इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम आती है? मैंने बोला हाँ, कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, आपको वर्ड प्रॉब्लम को झांक के डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में कभी भी कोई वर्ड आ जाए, कौन सा? ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट। तो आपको जो भी नंबर दिए होंगे उनका निकालना रहेगा। और जब भी नंबर आ जाए क्या? लोएस्ट, लीस्ट, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट। तो उन सब में आपको क्या निकालना रहेगा? एल सी एम। कर सकते हो क्या?